एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट पे लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूँ और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलें टीचमेंट पे। आइए साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PTT 2021 के फीस रिफंड को लेकर। तो फीस रिफंड को लेकर आपकी फीस रिफंड का जो ऑप्शन है वो कब शुरू होगा, फीस रिफंड के फॉर्म आपके कब शुरू होंगे और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। PTT से आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब हम बात करेंगे फीस रिफंड के फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ, आपकी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, जो मैं आपको PTT की साइट पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लिंक चल रहा है PTT का, जो आपकी जो प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी है और विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रवेश हेतु संपर्क नहीं करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टाइम टेबल, यहाँ पर जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा था, वो भी यहाँ पर शेड्यूल शो नहीं हो रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों की जो PTT फीस रिफंड है कब से शुरू होगी, क्योंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी संपूर्ण हो चुकी है। जो अब की बार यानी कि 2022 में आपका PTT का एग्ज़ाम करवाएगी वो डूंगर महाविद्यालय नहीं करवाएगा, वो आपका JNU महाविद्यालय अजमेर द्वारा किया जाएगा। तो बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है आपकी, अब आपकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कर देगी, आपके फीस रिफंड भी वो वापस जल्दी से जल्दी कर देगी। इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने होंगे, जिसमें आपको अपनी बैंक डायरी, आपका नाम, आपके चालान नंबर और आपकी जो फीस है वो उसमें भरनी पड़ेगी। इसके लिए जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तो फॉर्म शुरू होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूरी है, इन डॉक्यूमेंट्स की सूची में आपको बता देता हूँ, तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखें। जिन स्टूडेंट्स ने 5000 और आपके जो 22000 रुपये पूरे जमा किए हैं उनको आपके दोनों की कॉपी यानी आपको प्रिंट चाहिएगा, जिसमें आपके चालान नंबर हैं। एक आपको आपका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, एक आपकी खुद की बैंक डायरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोग अपनी बैंक डायरी स्वयं की लगाएं। अगर आपके पास में बैंक डायरी नहीं है तो आप अभी भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपनी माँ या पापा की लगा सकते हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि आप डायरी लगा सकते हैं दूसरी की है। जहाँ तक आपको अपनी डायरी लगानी है, अपनी डायरी के अलावा दूसरी की डायरी नहीं लगानी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि आप लोग अगर अभी तक YouTube चैनल पर नहीं हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। और जैसे ही आपके फॉर्म शुरू होंगे तो मैं आपको मोबाइल से फॉर्म भरना बता दूंगा कि आप किस प्रकार से फॉर्म है वो मोबाइल से भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।